इंट्रो दे दो, स्टार्ट कर लो, इंट्रो दे दो, स्टार्ट कर लो वीडियो अपनी। क्या स्टार्ट कर दें? जो भी जैसे भी करते हो आप। तो भाई क्या हाल चाल, सबके सब बढ़िया होंगे। और आप आज की वीडियो में, जो कि क्वेश्चन आंसर वीडियो है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो पिछली वीडियो हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों की 300 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज़्यादा ही कर दिया उसके डिमांड से ज़्यादा। पहले मुझे लगा था मोर देन एक्सपेक्टेड चीज़ हो गई है। आप मुझे लगा पहले जलील करोगे मुझे, जो 300 बोला आप 298 पे रोक दोगे कि लेते तेरी ऐसी तैसी करते हैं, पर आपने उससे ज़्यादा दुख होता। तो इसलिए हम आपके बीच, हम आप एक जानी मानी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी लेके आए हैं, खुद मैं शिवमपाल। और उसके उसके बाद थोड़े कम जानी मानी आयुष कटारिया जी, जो आप लोग अगर नहीं जानते तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी मतलब इन्होंने महान काम भी नहीं किया ऐसा कोई कि आप इन्हें जाने, ठीक है। तो पर आपके लिए कुछ अच्छी काम की बातें बता सकते हैं, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। कि पहली सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको अभी तक वीडियोज़ में बताया कि ऊबर ईट से पैसे कैसे कमाने हैं या कैसे एक अच्छी जॉब लेनी है, इन्होंने वो चीज़ यहाँ पे साढ़े तीन साल हो गए आपको, लगभग साढ़े तीन साल ये ऑस्ट्रेलिया में हो गए इन्हें, और ये मेरे स्कूल मेट हैं, मतलब कहते ना लंगोटिया यार जिसे कहते हैं, पेच लड़ाया करते थे हम दोनों साथ। हम हमारा मतलब इतना है, तो मतलब इन्होंने वो साढ़े तीन साल से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे और जो आपने कमेंट के अंदर क्वेश्चन पोस्ट किए थे उनके जवाब भी दिए जाएंगे। तो शुरू करें, बिल्कुल लेट्स गो। आप बबली इंट्रो वंट्रो चला दे क्या, कुछ बनाए नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, इनका नाम क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, गुरजंत सिंह का है। ब्रो, उबर ईट्स के अलावा कोई काम है क्या मेलबर्न में? तो इसका जवाब आप दे। यार गुरजंत भाई, जहां तक मुझे लगता है ना कि उबर के अलावा यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि जैसे मैं खुद भी पर्सनल, एक तो मैं सिक्योरिटी का भी काम करता हूँ, सिक्योरिटी के अंदर आप काम कर सकते हैं, बट नो डाउट जब आप यहाँ पे आते हैं आपको लगभग एक साल लग जाता है सिक्योरिटी का कोर्स करने में, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। पर एज जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो पहली चीज़ होती है कि अगर आपको अपनी इनकम स्टार्ट करनी है तो उबर ईट्स इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। पर उसके साथ साथ कि जैसे जैसे आपको, अब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो हमें एक कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे, सबसे पहली बात आपको छोटी सी कभी कभी रेफरेंसेस चाहिए होती हैं। कोई बंदा आपको कुछ मांग लेता है कि आपको पिछला कोई रिटेल एक्सपीरियंस, कोई कस्टमर सर्विंग एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर आपको वो चीज़ें हैं, कहीं आप पिछले इंडिया से करके आ रहे हो, या यहाँ पे आपकी कोई रेफरेंसेज अच्छी हैं, या आपकी कोई जानकारी यहाँ पे अच्छी है, जहाँ से आपको जॉब्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई गैस स्टेशन हो गया, कोई पेट्रोल स्टेशन हो गया, वहाँ पे ऐसा नहीं है, इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि हमें तेल भरना है, नहीं, हमें सिर्फ अंदर बैठना ही होता है, बहुत ईजी काम होता है, कोई ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क नहीं है। पर एज ऑन स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स वीजाज पे आते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टार्टिंग में यार कंपनीज के अंदर जॉब नहीं कर पाते, क्योंकि कंपनीज की ये रिक्वायरमेंट होती है कि 9 to 5 हम काम करें, जो कि वो पॉसिबल नहीं है बीइंग ऑन अ स्टूडेंट वीजा। ठीक है, तो आप ये जैसे उबर ईट्स के अलावा और कौन से ऐप हैं, डिलीवरी ऐप्स होते हैं जिन पे बच्चे, जैसे ये ऑप्शनल होता है, जब मन चाहे तब रात में, दोपहर में, आप कॉलेज के बाद कर ले, कॉलेज के पहले, तो कौन से ऐप्स है जिसमें कर सकते हैं? जहां तक मेरा ध्यान है कि जिन जिन पे आप कर सकते हो, एक है जैसे उबर ईट्स की तो हम बात खैर कर ही चुके हैं, एक है डोरडैश जो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है, पर यहाँ पे भी अच्छा अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक साल ही हुआ है, उबर ईट्स को काफ़ी टाइम हो गया, पर डोरडैश रिसेंटली आया है। डोरडैश है, डिलीवरू है, मेन्यूलॉग है, ये सारे उबर ईट्स वाले सेम ही हैं। कि अगर आप सोच रहे हो ना कि आप उबर ईट्स कर रहे हो, कि साथ साथ में अगर आपके पास ये भी एप्लीकेशन है ना, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके चांसेस उबर ईट्स के अलावा थोड़े से बेटर हो जाते हैं। ये डिलीवरी वाले जॉब के अलावा, डिलीवरी वाले जॉब के अलावा जो लड़के हैं, मतलब आपने बताया सिक्योरिटी, उसमें कैसे कितना पैसा कमा लेते हैं? सिक्योरिटी का बेस पे वेरी करता है फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन, मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप किसी सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो, जो कि आप समझ आ रहे हो, आप सब पता लगता है कि अगर हम सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब हमारा पीरियड कम हो जाता है। अगर हम जैसे यूजुअली एनीवेयर वेरीज बिटवीन $25 से लेके $40 तक भी मैंने लोग देखे हैं, जो अगर वीकेंड पे है तो आप अच्छी जगह काम कर रहे हो। मैंने एक बार क्राउन कैसीनो में काम किया हुआ है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कैसीनो हेयर इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे मतलब मैंने संडे को एक बार काम किया था, तो मेरा पे रेट वहाँ पे एक बार $48 an hour था, विच इज़ रियली रियली गुड। तो ये बेसिक है कि आपको यहाँ पे मतलब डिपेंड करता है कि पहली बात एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो। मतलब कि कुल मिला के दिन का $300 तक उस पे बन जाएगा लगभग, हम अपना 300 तो तभी, अगर आप देखो वीकडेज पे काम कर रहे हो तो उससे वो वेरी कर रहा है, पर अगर आप सैटरडे को काम कर रहे हो तो वो तो 5 घंटे 6 घंटे में भी हो जाएगा अगर आप 50 पे काम कर रहे हो। तो ब्रदर बहुत सारे ऑप्शन है,
आप डिलीवरीज में चले जाओ, आप किचन में चले जाओ, आप शेफ किचन हैंड भी काम कर सकते हो। अगर आपको होटल्स के रिलेटेड चाहिए तो आप उसमें, मैं आपको, मैंने वीडियो डाल रखी है, आप लोग वो देख सकते हैं। कैसे आपको एक ऑफिस जॉब चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। और बाकी जॉब बहुत ज्यादा, आप इस वक्त मेलबर्न के अंदर एज है कि यू आर द चूजर, आपको जो सा काम करना, आपको कहां पे काम करना। सेकंड क्वेश्चन जो है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे एक क्वेश्चन पे, इज इट डिफिकल्ट टू मैनेज सेमेस्टर फीस ऑन योर ओन बाय वर्किंग पार्ट टाइम? ये तो आपका बनता सवाल, ये तो आप ही बताएंगे। यू आर इन व्हिच यूनिवर्सिटी एंड कोर्स? हाउ वाज योर आईएलटीएस एक्सपीरियंस एंड स्कोर बैंड? ये सवाल मेरे लिए था, तो पहले वाला आप दे दीजिए कि ये क्या अपनी okay. जो फीस जो है खुद मैनेज करना मुश्किल होता है। देखो मैंने, मतलब जब मैं आया था 3 साल पहले, तो मैंने भी मैनेज की है, मेरी कोई ज्यादा फीस नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले तो मैं आया था, जैसे इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ, यू आर इन विच यूनिवर्सिटी एंड कोर्स, मैं आया था RMIT में, रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। काफी काफी इंजीनियरिंग के लिए काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी। रैंकिंग क्या थी आपके कॉलेज की? उसकी रैंकिंग यार मेरे ख्याल से ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे पता है कि इन अंडर 50 आती है, जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग्स होती है। अगर आप RMIT में वीजा अप्लाई करते हैं तो 100% आपका वीजा की तो श्योरिटी है ही है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी है, एक्सपेंसिव भी है, पर अपना खैर अपना वीजा उसमें आया था। और मैं अपना बता दूं तो मेरी सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी है। और आपके आईएलटीएस स्कोर आप बता दीजिए। देखो आईएलटीएस मैं अभी फ्रेंकली बात करूंगा, मैं अपना आईएलटीएस भी बताऊंगा, जो भी मैंने रिसेंटली पीटी दिया है, फिर मैं वो भी बताऊंगा, फिर मैं दोनों बताऊंगा। तो इज्जत फैलाऊंगा उसको, मैं थोड़ा सा भाई को इज्जत मांगता थोड़ा सा। तो अपना बता देते हैं, अपने 7 बैंड थे भाई आईएलटीएस के अंदर, तो अपना सारे मॉड्यूल अच्छे हैं यार, कोई ऐसा कुछ है नहीं, बट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ठीक है यार, जितना एलिजिबिलिटी यार अपना काम, क्योंकि अब कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम आईएलटीएस में ज्यादा स्कोर ले लें तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी? नहीं सर ऐसा नहीं, ये सब बातें, क्योंकि ये IELTS एक इंग्लिश टेस्टिंग प्रोसीजर है। आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी यार, ये तो शहरी इंग्लिश का अच्छा है ना। कोई अगर गोरा आके इंडिया में हिंदी अच्छी बोलेगा तो आप उससे पैसा थोड़ी दोगे? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई गोरा आके इंडिया में हिंदी अच्छी बोले तो हम उसको पैसा देंगे या स्कॉलरशिप देंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने 6 अगर स्कोर किया या 6.5 है या व्हाटएवर जो भी है। तो मेरा रिसेंटली जब मैं आया था, मेरा स्कोर था, टू बी ऑनेस्ट, 6, 6, 6 एंड 5.5। जिसको भी अगर कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वी आर मोर देन हैप्पी टू गिव यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ माय IELTS एग्जाम। 5.5 पे ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए थे, ऑस्ट्रेलिया में आता RMIT यूनिवर्सिटी, RMIT यूनिवर्सिटी। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, अगर आपका स्कोर कम है कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, पिक अप द बेस्ट यूनिवर्सिटी, एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, यू विल डेफिनेटली हैव द वीजा। तो यही मैं भी थोड़ा सा जो रायता फैलाया वो कवर कर लूं। अभी मैंने रिसेंटली पीटी का एग्जाम दिया जिसमें मेरा स्कोर था, स्पीकिंग में मेरा 9 था, राइटिंग में मेरा था 8.5, लिसनिंग में 8 और रीडिंग में 7.5। वजन आ रहा है। खैर यहाँ पे आके आपकी स्पीकिंग वगैरह कई चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, जिससे काफी फर्क पड़ता है कि आपके IELTS या PTE के अंदर जो भी आप एग्जाम दे रहे हो। चलिए तो दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन पे हम एक बार वापस आते हैं कि मैंने सेमेस्टर फीस को मैनेज करना व्हाइल वर्किंग पार्ट टाइम। सर देखो मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं है, हमें स्टार्टिंग में जब हम आते हैं ना तो हमें ये लगता है कि हम सिर्फ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। पार्ट टाइम का मतलब आ जाता है 20 hours per week, जो कि अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेबर इतनी कम है ना कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट मतलब इतनी ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट बट ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू लेबर। यार एक ही मतलब बात एक ही है ना, बिकॉज़ द ऑडियंस उनके लिए शायद बात अलग हो सकती है, हमारे लिए बात एक ही है। ऑडियंस इज बिट एशियन, तो उनके लिए अच्छा, उनके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। सो द एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो यहाँ पे इतनी ज्यादा है, मतलब इन्होंने इतनी उसकी जरूरत इतनी थी कि इन्होंने अब उस चीज को 40 hours per week पे ले गए हैं। और आपकी सर मैंने जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो ठीक है स्टार्टिंग में बंचों को जरूरत होती है, तो मैंने याद है कि मैं एक हफ्ते में 6 दिन काम किया करता था, 12 hours की शिफ्ट होती थी, लगभग 70 घंटे काम हो जाता था। तो पार्ट टाइम की टेंशन मत लो, हमारे दिमाग में होता है कि ऑस्ट्रेलिया की एक रिस्ट्रिक्शन है कि दैट वी आर ओनली अलाउड टू वर्क एज अ पार्ट टाइम एज 20 hours per week बीइंग ऑन अ स्टूडेंट वीजा, बट वो चीज नहीं है, आप ज्यादा भी काम कर सकते हो। उसका बस एक ये होता है कि खैर वो एक एडवांस स्टेप हो जाएगा, बट अभी के लिए आप ज्यादा भी काम कर सकते हो और फीस इजीली मैनेज हो जाती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और इसमें जो आपका रहता है, जो आपका लिमिटेड वो टैक्सेशन होता है, आप टैक्स पे वर्क करिए, अगर आपको उससे वर्किंग लिमिट से ज्यादा काम करना है तो आप अपने बिजनेस पे आपको एक इसमें जैसे मैंने ABN और टैक्स नंबर और बिजनेस नंबर बताया उस पर काम कर लीजिए, उसके अंदर आपके आर्स काउंट नहीं होते हैं। और या तो आप कैश पे काम कर सकते हैं, जो कि हर जगह कुछ ना कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और नहीं तो ये जो उबर रीट्स वाला है आप अपने 40 घंटे के बाद ये करते रहिए, 80 घंटे कर दीजिए, आपकी क्षमता के ऊपर भैया बात है ना, घी खाओ और लगे रहो।
तो अब नेक्स्ट क्या है बहुत अरे भाई यार बहुत कांग्रेचुलेशन गाड़ी के लिए लव फ्रॉम हनुमानगढ़ प्रदीप जी बहुत-बहुत शुक्रिया ये मेरे आइल्स में थे ये थैंक यू यार प्रदीप बहुत-बहुत बढ़िया शुक्रिया नेक्स्ट बिग लव ब्रो शुभम नायक शुभम शुभम हमारे भाई हैं यार ये तो मैं दिल्ली छोड़ने आए थे यार इन मतलब ये तो अपने यहां रहते हैं भाई गुरजन सिंह का मैसेज आया हुआ ब्रो व्हिच यूनिवर्सिटी यू गॉट वीजा तो आंसर बता चुके हैं साउथर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी और इनका था RMIT और भी लाट्रोप जो बता देते हैं अच्छी तरीके आपको यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड आपको बता देते हैं मतलब जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं धड़ल्ले से वीजा आएंगे सिंपल सा वीजा लेना महंगी यूनिवर्सिटी रहो पैसा दो इनको आपको वीजा दे देंगे यहां क्या आपका सारा सिस्टम चेंज हो जाता है तो कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं फिर ये है गुरजन सिंह का एक मैसेज है ब्रो गुरजन सिंह डाउट बहुत है आपको गुरजन सिंह को इतने डाउट है क्या डाउट है कि आप स्कूटी को रेंट पे नहीं लेते देखो क्योंकि हमने गाड़ी ले ली है और वो खरीद ली है रेंट पे नहीं लिया तो थोड़ा यार रेंट वेंट पे स्कूटी इसलिए क्योंकि सिंपल सी कहानी है कि अगर वेदर भी हाँ, सही नहीं है वेदर क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो भीगना पड़ेगा आपको स्कूटी में फायदा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना स्कूटी रेंट पे लेने का और उसके एक्सपेंसिव भी है यहाँ पे सस्ती नहीं है अपने तरह यहाँ पे स्कूटी यहाँ पे एक्सपेंसिव है स्कूटी फोर व्हीलर्स जो है और जो रूल्स रेगुलेशन स्कूटी पे इम्प्लीमेंट होते हैं वो सेम गाड़ी पे इम्प्लीमेंट होते हैं तो कंपेयर करा जाए तो गाड़ी ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ELF MKD का PGWP इंक्रीज हो गया है क्या अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट हाँ जी बिल्कुल ये आप बताएंगे मुझे मैं थोड़ा सा भी प्रोसेस कर ही रहा था ये जो लड़का है क्या नाम है ELF MKD ये जो मकड़ी वकड़ी जो भाई साहब आपका नाम तो काफी लगा मतलब लेवल का लग रहा है लड़का कहीं NRI वनरा ही पहले से लग रहा है मुझे पर जो भी है तो जो टर्म आपने यूज करी काफी नॉलेजेबल लग रहे भाई की नॉलेज बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली ये इंक्रीज हो गया है पहले कोविड के टाइम पे जो था कि जैसे जो भी बच्चा मास्टर्स कर रहा था उसकी जो TR थी वो 2 years की थी उसको बढ़ा के 3 साल कर दिया है जो दूसरे बंदे थे जिन्होंने सर्टिफिकेट्स किए हैं या बैचलर्स किए हैं जिनकी 2 साल की थी वो अप टू 2.5 to 3 years पर अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि ये उसको भी बढ़ा के मास्टर्स वालों को अप टू 5 years लेके जा रहे हैं और बैचलर्स वालों को अप टू 4 years लेके जा रहे हैं इसका रीजन एक ही है क्योंकि विक्टोरिया में दे नीड पीपल दे नीड इन्हें काम चाहिए इन्हें बंदे चाहिए जो काम कर सके दे नीड एम्प्लॉइज तो आप यू आर नॉट अ बेगर एट दिस टाइम यू आर अ चूजर बिल्कुल तो दिस इज अ वेरी राइट टाइम टू कम टू विक्टोरिया आप Just fasten up your things and come up over here. जल्दी से जल्दी जो अभी आ सकता है वो आ जाओ आपकी वीजा रिजेक्शन के चांसेस ये बूम 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 ब्यूम जो ये भी यार आप भी NRI लग रहे हो मैं एक बार इनका कमेंट पढ़ देता हूँ हेलो भैया आई लाइक वॉचिंग योर वीडियोस आई एम आल्सो प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर माय मास्टर्स डिग्री I feel like you should make a question तो इन्हीं का इन्हीं का कमेंट तो ये बूम बूम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सर आपने एक चीज से लिख दी है कि हमने क्वेश्चन आंसर लिखे पर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो इस वीडियो के कमेंट में भी लिख देना शायद हो अगर हमने मोर पे क्लिक किया हो नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा जल्दी ELF MKD का एक और मैसेज कमेंट है बाइसिकल के लिए लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया में ही बन सकता है क्या मैं अंडर 18 हूँ बन सकता है कि नहीं ये तो आप बताएं ज्यादा बेटर सर बाइसिकल के लिए लाइसेंस क्यों चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक के लिए आपको लाइसेंस चाहिए हाँ जी देखो मुझे तो इस बारे में नहीं सर मैंने कभी मैंने टू व्हीलर नहीं चलाया यहाँ पे तो मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है शायद ये बेटर बता देंगे मैं आपको जवाब देता हूँ देखिए जो सिंपल बाइसिकल है जिसमें मोटर नहीं होती बैटरी नहीं होती उसको चलाने के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं बट इलेक्ट्रिक बाइसिकल जो कि एक तरीके का मोटर व्हीकल के अंदर आ जाता है उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए और ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आपके पास इंडियन लाइसेंस हो तो प्रोसेस थोड़ी इजी रहती है फिर भी आपको कम से कम 3-4 महीने लगेंगे ठीक है अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं लेके आ रहे हो तो फिर तो मान लो साल डेढ़ साल ज्यादा लग जाएगा तो लेके आओ है ना क्योंकि आप 12वीं करके आ रहे हैं तो भी आपकी 17-18 साल उम्र होगी और आते आते 18 तो लाइसेंस आप लर्नर भी वहां से कुछ तो बनवा के लेके आओ कि भाई की हाँ कुछ तो कागज है आपके पास क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके पास सिर्फ पासपोर्ट रहेगा फिर अगर आप इंडिया से आते तो आपके पास सेकंड आइडेंटिटी होनी चाहिए आधार कार्ड नहीं चलेगा राशन कार्ड ले आ रहे हो तुम कह रहे हो कि लगे हुए लाइन पे कि हाँ हमारा गेहूं कहाँ है तो 2 ID बनवा लो थोड़ा कष्ट करो है और एक और क्वेश्चन है नर्सिंग में नर्सिंग का एक क्वेश्चन था मोहम्मद वजीद का शायद अच्छा मोहम्मद नर्सिंग में स्कोप कैसा रहेगा ये शायद देखो नर्सिंग में एक्चुअल में क्या है कि अगर आप 2 साल की नर्सिंग कर लेते हैं ना बैचलर ऑफ नर्सिंग और डिग्री ऑफ नर्सिंग जो भी है तो यूजुअली यहाँ पे जो पीरियड्स होते हैं वो चालू होते हैं एनीवेयर बिटवीन 30 अगर आप नर्सिंग करते हो ना डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग आप बनते हो एनरोल्ड नर्स जिसका पीरियड स्टार्ट फ्रॉम $55 अगर आप डिग्री ऑफ नर्सिंग भी कर लेते हो ना बैचलर या मास्टर्स आप जो भी कर रहे हो
उस पे आप बनते हो रजिस्टर्ड नर्स, जहाँ जिसका पीरियड स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम $65 an hour, जो कि बहुत अच्छा पे पीआर का है। क्या सीन है नर्सिंग पीआर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्टेट है तस्मानिया, अगर आप वहां से करते हो 2 साल की डिग्री करते हो तो आप डायरेक्ट पीआर के लिए एलिजिबल हो within after 2 years, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है आप अपनी टीआर डाल रहे हो, आप सोच सकते हो टीआर डाल दी, टीआरआई और पीआर डाल सकते हो। कनाडा से फर्स्ट हुआ पर, हां जी बिल्कुल, पर मैं तस्मानिया की बात कर रहा हूं, ये तस्मानिया भी रह गए हैं, पहले मैं आपको बता दूं ये तस्मानिया भी 4 से 5 महीने रह गए हैं, अभी आए हैं इसी महीने आए हैं यहां विक्टोरिया वापस। तो तस्मानिया का बस यही इशू है, अगर आप नर्सिंग जा रहे हैं जो कि बहुत ही महंगा कोर्स रहेगा, जो कि पहले इससे पहले के सवाल पे आते हैं इफ यू कैन यू अफोर्ड योर पार्ट टाइम जॉब से अपनी फीस वगैरह कर सकते हैं, तो वो क्वाइट मुश्किल हो क्योंकि नर्सिंग से क्वाइट एक्सपेंसिव कोर्स, सो पार्ट टाइम से नहीं हो पाएगा वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, वहाँ पे बिजनेस कम है, लोग बहुत कम है, तो ऑफकोर्स ये बात है। सो इफ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर फैमिली तो या तो पैसा कमा लो या पीआर जल्दी ले लो, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नर्सिंग आप तस्मानिया से करोगे तो ही पीआर होगी, यहाँ पे भी चल जाएगा, पर विक्टोरिया में क्या है थोड़ी सी रश ज्यादा हो रहा है, बच्चे क्या है ज्यादा मेलबर्न और सिडनी प्रेफर कर रहे हैं, मेलबर्न सिडनी में रश बहुत ज्यादा है, हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह से थोड़े से पीआर का जो प्रोसीजर है वो स्लो रखा है, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, बस यही सीन है। इसलिए पीआर हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई आता है पीआर लेके ही आता है वापस, खाली हाथ कोई नहीं आता अगर आप इनके रूल से चलो तो, पर रूल्स प्रोसीजर सब फॉलो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स मेरे ख्याल से खत्म होते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट वाली जो है मेरे ख्याल से खत्म है सारे, उससे मिलता जुलता ही है। और आयुष भाई कुछ अलग चीज आप बताना चाह रहे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो आईएलटीएस एस्पिरेंट हैं, जो ऑस्ट्रेलिया एस्पिरेंट्स जो बैठे हैं वहां अपने कागज पत्र इकट्ठे कर रहे हैं, जहां तक मेन चीज बताइए इनको कि यार पैसा पूसा का बताओ, मेन लड़कों को इंटरेस्ट उसमें होता है कि पैसा कैसे ठोकना है। देखो यार जो काम की बात पे आते हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो जरूरी है ही, पर मेन मकसद जो है जीवन का, इन्होंने एक वीडियो डाली है कि जहां से हाउ टू मेक $200 per day, मतलब Uber Eats से शायद आपने वीडियो डाली थी, वो बहुत अच्छी वीडियो थी, मैंने भी इनकी पूरी वीडियो देखी थी। और इनने भी एनरोल करा तुमने कि नहीं, क्या रेफर लिंक पे टैप यार कर? मैं ऑलरेडी उस चीज में था रजिस्टर, मैंने तो सारी चीजें ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल कर रखी हैं, तो मैं वो नहीं कर अगर सकता। तुमने नहीं किया तो करो, आप सबको जरूर करना है, कर लो, आप सबको जरूर करना है अगर आप यहाँ पे आते हो तो। पर आप कहीं यहाँ से आप धीरे धीरे ना आप $200 से अप टू $400 per day, इतनी इतनी अलग अलग जॉब्स की स्ट्रीम्स होती हैं कि आप वहां तक भी पहुंच सकते हो, तो कहीं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आज के टाइम में तो है ही है। और जो आज के टाइम में यहाँ पे जो अपना हाफ वे प्रोसीजर पे बैठा है, ये जो सोच रहा है ना कि यार मैं जाऊं, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा हूँ, तो वो फटाफट करो, अप्लाई करो और फटाफट यहाँ पे आने की कोशिश करो, क्योंकि वीजा सक्सेस चांसेस बहुत ज्यादा है अप टू, और आपके वीजा की मतलब वीजा बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं यार, जो यूजुअली 2-2 महीने लगते होते थे, आज के टाइम में वो 30 दिन के अंदर अंदर वीजा आ रहे हैं, तो अपना काम फटाफट डन करो ताकि अब यहाँ पे आ सको और अपनी चीजें स्टार्ट करो। जो चीजें जो हमेशा मैं कहता हूँ, पैसा ज्यादा दिखाओ इस देश को, जितना ज्यादा दिखाओगे उतना आप पे कम डाउट करेंगे, गरीबी दिखा दी तो पहले ही कह देंगे गरीब, देखो गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है देश के अंदर, बुरा मत मानना पर गरीब लोग आने नहीं दे रहे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, पहले कह रहा हूँ जहाँ लगा रहे हो थोड़ा बहुत अच्छे से दिखा देना। और इसके बाद एक और चीज है, लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस रखना, इंग्लिश अपनी अच्छी करें। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप मेलबर्न में आइए, आप मुझे टेक्स्ट करिए, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, मैं आपको एक अच्छी जॉब दिलवाऊंगा, ठीक है। जो कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, एक लड़के ने लिखा कि भैया व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी नहीं, मगर व्हाइट हरा नीला जौन सा कलर बोलोगे जौन सा कलर चाहिए मैं वो दिलाऊंगा तुम्हें। लैंग्वेज अच्छी लेके आना, ऐसा नहीं है वहां जाके तुम फिर नाम वाम भी बताने में हिचकिचा रहे हो, लैंग्वेज स्ट्रांग। एक और बात है कि जैसे कभी कभी हम शायद घबरा रहे हो कि क्या हमारा ऑस्ट्रेलिया में जब हम एंटर होंगे वहां पे हमारा कोई इंटरव्यू होता है, सर ऐसा कुछ नहीं होता, एक वो इंटरव्यू नहीं होता है, वो कोई बंदा, आप कहीं जा रहे हो क्या कोई बंदा आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपने बोलना मैं अपने स्टडी पर्पस के लिए आया हूँ, एंड दैट्स इट। वो आपसे दूसरा सवाल शायद वो पूछ ले कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हो,
पर वो इंटरव्यू नहीं है, वो एक जनरल कॉन्वर्सेशन है। आप अपने बुआ चाचा के लड़के से मिलते हो, आप भी वही बात करोगे, बस फर्क इतना आएगा आप वहाँ पे हिंदी पंजाबी में बात करोगे, यहाँ पे किसी से बात करोगे वो बंदा कोई कोट पैंट पहन के इंग्लिश में पूछेगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। दो चीजें उसने पूछनी है, उसमें आपने को घबराने का वाली बात नहीं है कि हाँ इंटरव्यू का कोई इंटरव्यू नहीं है, एक इनफॉर्मल डिस्कशन होती है एंड दैट्स इट। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही और ऐसी और वीडियो बनाते रहेंगे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनके इतने मेरे इतने इम्पोर्टेंट टाइम के लिए। तो मतलब इनका तो चलो यार ठीक है, क्या दिक्कत है, भाई आते रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन लोगों का तो चलो क्या है, बाकी मैं अपना खुद का शुक्रगुजार करता हूँ कि मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और तो कमेंट में यार और क्वेश्चंस आप पोस्ट करिए। और हाँ अब गाड़ी यार, अब देखो वीडियो तो लंबी होगी, गाड़ी ने अब अगली बार दिखा दें। अच्छा कार दिखानी थी, कार अभी दिखाई नहीं इनको यार। अच्छा, अगली बार दिखा देंगे चलो थोड़ा। अच्छा चलो नहीं कोई बात नहीं यार, थोड़ा सस्पेंस बना रहेगा, अच्छा रहेगा। अगली वीडियो तो गाड़ी पे डेफिनेटली होने वाली है, गाड़ी का रिव्यू दे देंगे आपको, गाड़ी पे डेफिनेटली होने वाली है। और कई कई सोचने लग गए इसने मूर्ख बनाया होंगे, ऐसा अच्छा, नहीं है। गाड़ी अगली गाड़ी पे ही वीडियो होगी, क्योंकि मैंने सोचा इन्फॉर्मेशन पहले ज्यादा जरूरी है, ये गाड़ी वाड़ी तो दिखाई देंगे। तो बस ठीक है यही है यार। तो बस लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मेन काम होता है वो कर ही लो। भीख मांगने वाली बात जो यूट्यूब करते हैं यूट्यूबर, वो है वही आयुष की तरफ से भीख मांग ले रहे हैं अपने, तो यार ऐसा इतना लालच। अगर मेरी तरफ से भीख मांग ले रहे हैं ना, तो मैं अपना नीचे गाइस इंस्टाग्राम का हैंडल भी लिख देता हूं, ताकि भीख में मेरे लिए तो मांग लो अगर मैं मांग ही रहा हूं। हाँ, बाकी अपने लालच तो है नहीं इतना कुछ, ठीक है। तो चलो जय श्री कृष्णा, ओके, राधे राधे। सो मच, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें वीडियो को, जिन जिनको आपको लगता है, जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली में जो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं, और अगर हमारे से कोई मदद हो पाएगी तो हम वी आर मोर देन हैप्पी टू डू एनी हेल्प फ्रॉम आवर साइड। अपने तो यार बस अपने तो बस अपना सीधा जीवन है कि यार मदद करो, मदद लो, सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू।